जनाब वजीर आजम साहब, आज अथहर मतीन के बच्चों को स्कूल से कौन लेगा? जनाब वजीर आला साहब, अब अथहर मतीन की बेटियों को स्कूल कौन लेकर जाएगा? गवर्नर साहब, अथहर मतीन की बेटियां आज घर कैसे पहुंचेंगी? आईजी साहब, सीसीपीओ कराची साहब डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, कराची का एक बेटा शहीद हो गया है। अथहर मतीन शहर कायद में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम खुद से खुद परेशान था, खुद कई बार इस पर बहुत दफ़ा आवाज़ भी उठाई, आपको दिखाते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे अहम मरकज़ है। ये पाकिस्तान की, कहते हैं कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची जागता है तो पाकिस्तान सोता है, ये कराची से मुतालिक कहा जाता है। लेकिन कराची इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वो इंतहाई कह लीजिए कि इंतज़ामी मसाइल से दो चार है। ये जो बल्दियाती मसाइल हैं ये तो अलग हैं, इसके अलावा सबसे बड़ा मसला कराची का इस वक्त बना हुआ है स्ट्रीट क्राइम। कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान तकरीबन अब तक ये जनवरी के 15 दिन यानी नए साल का आगाज़ हुए, 15 दिन हुए हैं, आज 15वां दिन है और 6 लोग जान से जा चुके हैं। इसके अलावा 20 लोग ज़ख्मी हुए मुख्तलिफ वाक़ियात के अंदर। अभी शाहरुख का वाक़ भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उसकी जान ली गई, कि वो अपनी माँ को बचाते हुए उसने देखा, कोई भी बेटा देखेगा यकीन उसकी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो उसी तरीके से उसने किया जो माँ के ऊपर वो एकदम बचाने के लिए कूदा और उसकी जान चली गई। ये कराची का हाल हो चुका है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले डाकू दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस हमारी जो है वो कोई काम नहीं कर रही। लिटरली कराची पुलिस इस वक्त कोई काम नहीं कर रही, अगर कोई काम कर रही होती तो क्या ये सब कुछ हो रहा होता? और 5 साल तक कराची में मुसलसल मखसूस हॉटस्पॉट्स पर डाकू शहरियों को लूटते रहे, कत्ल करते रहे, पुलिस वाले हॉट